hello everyone welcome to topper Benz. today we will discuss the question answers of on the grasshopper and the cricket if you had missed the chapter explanation kindly click below the description box and you will get the link in the description box and also in the playlist so we start whose voice do you hear on afternoons on summer afternoons where does it go वैन इट इज़ टायर्ड होज़ वॉय डू यू हीयर ऑन समर आफ्टरनून तुमको समर आफ्टरनून में गर्मियों के आफ्टरनून में किसका वॉयस सुनाई देता है वेयर डज़ इट गो वैन इट इज़ टायर्ड और वो कहाँ जाता है जब वो टायर्ड हो जाता है थक जाता है वी हीयर द्रास ऑपरस वॉयस ऑन समर आफ्टरनून हम लोग ग्रास ऑपर का वॉयस को समर आफ्टरनून में सुनते हैं इट रेस्ट्स बिनीथ द वीड्स वेन इट इज़ टायर्ड ये रेस्ट करता है कहाँ पर वीड्स के नीचे बीनीथ द वीड्स वीड्स मतलब खर पतवार घास वास जो होता है ना जो अनवॉन्टेड प्लांट्स होते हैं हमारे वेजिटेबल्स वगैरह या फिर हमारे जो खेतों में कहीं भी अनवान्टिड प्लांट्स जो होते हैं उनको वीड्स कहा जाता है जंगली जंगली प्लांट्स जो होते हैं तो उसके नीचे रेस्ट करता है ग्रास ऑफर थक जाने पर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंसेक्ट टेक्स ओवर फ्रॉम द ग्रास ऑफर इन विंटर तो ग्रास हॉपर का जो म्यूज़िक चलता है समर के टाइम पे उसका जगह कौन लेता है विंटर के टाइम पे क्योंकि विंटर के टाइम पे ग्रास हॉपर सिंगिंग नहीं करता है द क्रिकेट द क्रिकेट टेक्स ओवर द ग्रास हॉपर इन विंटर तो क्रिकेट जो है एक इंसेक्ट का नाम है किर करके आवाज़ करता है किर करके आवाज़ करता है विंटर के इवनिंग में ख़ास तौर वो पत्थरों के बीच में छुपा हुआ रहता है वो जो है इंसेक्ट वो ग्रास ऑपर का सिंगिंग का जगह लेता है विंटर में नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन वॉट द पोइट्री ऑफ अर्थ इज़ सीजिंग नेवर मीन्स पोइट्री ऑफ अर्थ इज़ सीजिंग नेवर सीज़ का मतलब ही होता है बंद हो जाना ख़त्म हो जाना तो पोइट्री ऑफ अर्थ जो है वो बंद कभी नहीं होता है नेवर इसका मतलब क्या है तो यही है कि नेचर का जो साउंड है नेचर का जो म्यूज़िक है वो कभी बंद नहीं होता है चाहे मौसम कितना भी बदल जाए लेकिन ये जो सिस्टम है ये चलता ही रहता है मीन्स नेचर का जो म्यूज़िक है वो आता ही रहता है द पोइट्री ऑफ़ द अर्थ पोइट्री ऑफ द अर्थ का मतलब ही है म्यूज़िक ऑफ़ नेचर इस सीजिंग नेवर मीन्स द सॉन्ग्स एंड नेचर विल नेवर स्टॉप वो कभी स्टॉप नहीं होगा दे विल गो ऑन वो चलता ही रहेगा विदाउट एनी ब्रेक बिना ब्रेक लिए हुए एनी चेंज इन सीज़न और वेदर विल नॉट अफेक्ट दिस सीज़न में वेदर में कोई भी चेंजेस आए तो लेकिन फिर भी इस नेचर को नेचर का जो ये सॉन्ग है म्यूज़िक जो चलते रहता है उसको चेंज नहीं कर पाता है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर उसको स्टार्ट करने से पहले आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक like कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं और ऐसे ही वीडियो देख के चले जाते हैं प्लीज़ लाइक like कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने एक दोस्त को शेयर भी कीजिए क्योंकि ये सब करने में आपको कोई पैसा नहीं लगता है और ये सब करेंगे अगर आप तो मुझे एक सपोर्ट मिलेगा और मैं आपके लिए ऐसा ही काम करता रहूँगा वाई डज़ द क्रिकेट सॉन्ग साउंड लाइक द ग्रास क्रिकेट का जो सॉन्ग है क्रिकेट मीन्स वो जो इंसेक्ट है उसका जो साउंड है क्रिकेट को झिंगूर बोला जाता है हिंदी में तो वो क्रिकेट का इंसेक्ट का जो सॉन्ग है साउंड है वो ग्रास ऑपर की तरह क्यों है मतलब उसके तरह क्यों लगता है द क्रिकेट सॉन्ग साउंड्स लाइक द ग्रास ऑपर्स बिकॉज वन कैन हार्डली टेल द डिफरेंस व्हेन ही इज़ ड्राउजी इन ड्यूरिंग विंटर क्योंकि क्रिकेट का जो साउंड है वो ग्रास हॉपर से मिलता जुलता है उसमें कोई डिफरेंस नहीं पता चलता है क्योंकि कोई बहुत ही मुश्किल से उसका डिफरेंस को बता सकता है उसके अंतर को बता सकता है ख़ास करके तब जब वो ड्राउज़ी फील कर रहा हो विंटर के टाइम पे ड्राउज़ी मतलब बहुत नींद में हो विंटर ठंडे के टाइम पे दैट इज़ कंफर्टिंग एंड प्लीजिंग बहुत आराम में है कोई बहुत आराम कर रहा है रेस्टिंग मूड में है ड्राउज़ी फील कर रहा है नींद में है वो नशा टाइप का फील कर रहा है और उस टाइम पे जब क्रिकेट का सॉन्ग उसको सुनाई देता है ठंडा का टाइम पे तो उसको ऐसा लगता है कि वो ग्रास ऑपर का ही साउंड सुन रहा है द क्रिकेट डज द सेम ड्यूरिंग द विंटर और क्रिकेट जो है वही काम करता है विंटर के टाइम पे जो ग्रास ऑपर करता है गर्मी के टाइम पर तो इसी लिए कोई जो है उन दोनों के सॉन्ग को सॉन्ग में डिफ्रेंस नहीं कर पाता है और दोनों साउंड एक ही जैसा लगता है सुनने में नेक्स्ट ए थ्री ए थ्री का पहला जो क्वेश्चन है उसमें एक्स्ट्रैक्ट लिया गया है बुक से तो हम लोग एक्स्ट्रैक्ट को पढ़ेंगे फिर उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया व्हेन ऑल द बर्ड्स आर फेंट विद द हॉट सन एंड हाइड इन कूलिंग ट्रीज अ वॉइस विल रन तो हम लोग पढ़े हैं पोएम में और पोएम को अगर मिस कर दिए तो आप ज़रूर प्लेलिस्ट विजिट कीजिए प्लेलिस्ट में भी मिलेगा और डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कीजिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए एक वीडियो के नीचे होगा वहाँ भी आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा और पूरा प्ले का भी लिंक मैं वहाँ पर दे दूँगा ईजीली आप देख पाएंगे तो जब बर्ड्स जब चिड़िया जो है वो बेहोश होती है गर्मियों के दिन में परेशान हो जाती हैं हॉट सन जब ऊपर रहता है और उस समय में वो चिड़िया जो है वो कूलिंग ट्रीज़ पेड़ के छाँव में छुपती है तो उस समय एक वॉइस चलता है उस समय एक साउंड आता है तो ये दो लाइन है पोएम से लिया गया इस पर पहला क्वेश्चन पूछा गया वॉट डज़ द हॉट सन डू हॉट सन गर्म सन जो है सूरज क्या करता है द हॉट सन फेंड्स द बर्ड्स हॉट सन जो है बर्ड्स को फेंड्स कर देता है मतलब बर्ड्स जो है वो बेहोशी की हालत में हो जाता है बहुत मतलब टायर्ड हो जाते हैं बर्ड्स व्हाट डज द वॉयस डू वो जो वॉयस आता है गर्मियों के दोपहर में वो क्या करता है द वॉयस ऑफ ग्रास ऑपर टेक्स द लीड द वॉयस ऑफ ग्रास ऑपर टेक्स द लीड ड्यूरिंग समर आफ्टरनून ग्रास ऑपर का वो जो वॉइस आता है समर आफ्टरनून वो ग्रास ऑपर का ही होता है इसलिए मैंने मेंशन कर दिया है द वॉइस ऑफ ग्रास ऑपर टेक्स द लीड ड्यूरिंग समर आफ्टरनून लीड ले लेता है मतलब बढ़त ले, ले लेता है ग्रास ऑपर जो है क्योंकि उस समय सारे चिड़िया जो है वो बेहोशी के हालत में रहता है बहुत तकलीफ़ में रहते हैं वो धूप के समय में वो लोग पेड़ों के छाव में ठंडक ढूंढते हैं वहाँ जा कर के छुपते हैं उस समय में सिंगिंग करने वाला कोई नहीं होता है और उस समय में ग्रास ऊपर जो है वो सिंगिंग करके गाना गा के सबसे आगे निकल जाता है यही है इसका मतलब लीड लेने का मतलब ये जो लीड लेना होता है लीड डी लीड लेना मतलब बढ़त लेना आगे बढ़ जाना व्हाट सीज़न इज डिस्क्राइब्ड है यहाँ पे कौन सा सीजन डिस्क्राइब किया गया मतलब यहाँ पे समर सीजन डिस्क्राइब किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू में जो लाइन है वो है ऑन अ लोन विंटर इवनिंग अकेला विंटर के शाम में व्हेन द फ्रॉस्ट हैज़ रॉट अ साइलेंस फ्रॉम द स्टोप देयर श्रिल्स जब फ्रॉस्ट वहाँ जब बर्फ गिरता है तो उसके वजह से जो साइलेंस फैल जाता है विंटर के इवनिंग में उस समय पत्थरों के बीच से फ्रॉम द स्टॉप देयर श्रिल्स एक आवाज़ आती है द क्रिकेट सॉन्ग और वो क्रिकेट का सॉन्ग होता है मीन्स वो झिंगूर का सॉन्ग होता है किर किर कर कैसा आवाज़ आता है इन वाम इंक्रीजिंग एवर जो ठंड के दिनों में भी गर्मी पैदा करता है पत्थरों के बीच और वो जो हम लोग ठंड के टाइम में अंगार जलाते हैं लकड़ियाँ जलाते हैं उन सब जगहों से आवाज़ आता है क्रिकेट का वॉट डज़ द फ्रॉस्ट डू वहाँ जो बर्फबारी स्नोफॉल हो रहा है बर्फ़ गिर रहा है उस वो क्या कर रहा है द फ्रॉस्ट स्प्रेड्स इट्स ब्लैंकेट ओवर ऑल एलिमेंट्स ऑफ द नेचर एंड ब्रिंक्स साइलेंस फ्रॉस्ट जो है अपने आप को पूरा ब्लेंकेट की तरह चादर की तरह कम्बल की तरह वो फैला देता है सारे नेचर के जो सारे एलिमेंट्स हैं जितने भी हैं पेड़ पौधे ज़मीन पत्थर पहाड़ सबको जो है वो बर्फ के चादर से ढक देता है और साइलेंस ले आता है ब्रिंक्स साइलेंस वट डज द पोएट वॉन्ट टू कन्वे यहाँ पे पोएट कहना क्या चाहते हैं द पोएट्स वॉन्ट टू कन्वे दैट इन विंटर इवनिंग वेन फ्रॉस्ट स्प्रेड्स ऑल ओवर विंटर के साम में ठंड के शाम में जब बर्फ चारों तरफ फैल जाता है अश्रील साउंड कम्स एक पतला साउंड आता है फ्राम द स्टोब्स फ्राम द स्टोन्स पत्थरों के बीच से एक आवाज़ आता है एंड इट्स द क्रिकेट और वो क्रिकेट का साउंड होता है हु इज़ सिंगिंग एंड री स्टोर्स द वॉम और वो गाना गाता है उस ठंड के कड़कड़ाते ठंड के शाम में जब बर्फ चारों ओर फैल जाता है और तब क्या होता है उसके सिंगिंग से चारों तरफ थोड़ा गर्माहट आ जाता है री स्टोर द वॉम्थ वाट सीज़न इज़ डिस्क्राइब्ड हेयर सो वी कैन ईजिली से विंटर सीजन इज डिस्क्राइब्ड हेयर थिंक एंड आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है आपके लिए मैं थिंक एंड आंसर भी कर देता हूँ आप चाहें तो इसमें कुछ ऐड भी कर सकते हैं क्योंकि ये थिंक एंड आंसर है बच्चों को खुद से लिखना चाहिए और टीचर्स को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बच्चों को हेल्प कीजिए ताकि वो अपने वर्ड्स में लिखना लिख सके और अपने वर्ड्स में जब बच्चे लिखने लगेंगे तो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ेगा और लिखने का जो पोटेंशियल है वर्ड पावर है वो सब भी बढ़ेगा अच्छा होगा उससे वॉट इज़ द मूड ऑफ द पोएम द मूड ऑफ़ द पोएम इज जॉयस पोएम का जो मूड है वो जॉयस खुशहाली वाला है द पोएट सिक्स टू सेलिब्रेट द कॉल्स ऑफ ग्रास ऑपर एंड क्रिकेट इन शॉर्ट द वॉयस ऑफ नेचर हर सेल्फ तो यहाँ पर पोइट जो है वो सेलिब्रेट करना चाहता है ग्रास ऑपर और क्रिकेट का साउंड में जो अलग अलग समय में समर और विंटर में आता है और नेचर को वो इन्जॉय करना चाहता है नेक्स्ट क्वेश्चन है थिंक एंड आंसर का विच सीज़न डू यू इन्जॉय द मोस्ट गिव रीज़न तो ये क्वेश्चन फुल्ली डिपेंड करता है आपके चॉइस पे आपको जो मौसम अच्छा लगता है रेनी रेनी सीजन हो मानसून हो रेनी सीजन मानसून एक ही है रेनी रेनी सीजन हो समर सीज़न हो विंटर सीजन हो आपको ऑटम हो जो भी सीज़न पसंद है वो लिखिए और उसके बारे में आप थोड़ा रीज़न भी दीजिए तो मैंने मुझे जो पसंद है मैंने वो लिखा आप चाहें तो इसको भी कॉपी कर सकते हैं नो प्रॉब्लम आई लाइक द विंटर सीजन एंड इन्जॉय इट द मोस्ट बिकॉज आई इन्जॉय द लोनली इवनिंग्स ऑफ विंटर विथ फ्रॉस्ट एवरीवेयर मुझे ठंड का जो मौसम है वो पसंद है मैं क्योंकि मैं ये इंजॉय करता हूँ और इन्जॉय करता हूँ वो जो ठंड के समय में सन्नाटा वाला इवनिंग होता है शाम होता है और चारों तरफ बर्फ़ फैला हुआ होता है इसलिए मुझे अच्छा लगता है ठंड का मौसम आपको जो भी मौसम पसंद है उसके बारे में आप लिखें और रीजन भी दीजिए क्यों पसंद है इसके बाद वैल्यड क्वेश्चन आप बुक से देख लीजिए जिसका आंसर मैं डायरेक्टली लिखवाया हूँ इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं थिंक एंड आंसर भी करवाता हूँ वैल्यूट आंसर भी कराता हूँ ताको ताकि बच्चों को पूरा हेल्प मिल पाए और इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और और अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करवाइए उनको वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सबको हेल्प मिल पाए और फुल्ली हेल्प मिल पाए कोई प्रॉब्लम ना हो और मैं ये भी कहता हूँ कि आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए मैं आपको पूरा कोशिश करूँगा हेल्प करने का मैं सारे बच्चों का हेल्प करता भी हूँ तो इसीलिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे यस नेचर इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग्स टू मैन काइंड ये जो नेचर है ये हमारे लिए एक वरदान है ये हमारे लिए एक आशीर्वाद है मैन काइंड मतलब ह्यूमन पॉपुलेशन जो है इंसानों के लिए वी कांट इवन थिंक ऑफ द लाइफ विदाउट नेचर हम लोग लाइफ के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं नेचर के बिना बट बाई द ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन लेकिन ह्यूमन का बढ़ता पॉपुलेशन से नेचर इज़ डिस्टर्बड नेचर जो है वो डिस्टर्ब हो गया है एंड इज़ कॉन्स्टेंट एंड इनकॉन्सटेंट थ्रीट और बहुत डर में भय में है ये नेचर पीपल आर यूजिंग नेचुरल प्रोडक्ट्स मोर एंड मोर टू सफ़ाइस ये सफ़ाइस है एस यू डबल एफ़ आई सी ई सफाइस मतलब पूरा करना पीपल जो है पेड़ों की कटाई कर रहे हैं नेचुरल प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपना जो इच्छा है उसको पूरा करने के लिए सफाइस करने के लिए ठीक है दे आर रिक्वायरमेंट्स फॉर विच दे आर कटिंग डाउन ट्रीज़ विच इन टर्न डिस्टर्बिंग द नेचर और अपने इच्छा को पूरा करने के लिए फर्नीचर बनाने के लिए घर बनाने के लिए पेड़ों की कटाई कर रहे हैं ज़मीन साफ़ कर दे रहे हैं जंगल साफ कर रहे हैं अपने फ़ायदा के लिए और नेचर को डिस्टर्ब कर दे रहे हैं सम ऑफ़ द वेज़ टू प्रिजर्व नेचर इन द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी आर एस फॉलोज कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे हम ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में भी नेचर को प्रिजर्व कर सकते हैं पहला हम मैंने लिखा पॉइंट वाइज लिख दिया ताकि आपको इजी होगा याद करने में स्टॉप डिफॉरेस्टेशन डीफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ का कटाई तो पेड़ का कटाई स्टॉप करो स्टार्ट एफॉरेस्टेशन एफॉरेस्टेशन का मतलब पेड़ लगाना पेड़ लगाना शुरू करो स्टॉप पॉल्यूशन ऑफ एयर वाटर सॉयल पॉल्यूशन बंद करो प्रिवेंट फॉरेस्ट फायर फॉरेस्ट में फायर लगने से बचाओ डोंट हार्म द फ्लोरा एंड फोना फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स है ना प्लांट्स जो होते हैं पौधे और फौना का मतलब होता है एनिमल्स तो जितना भी प्लांट्स और एनिमल्स है उनको बचाना चाहिए हेल्प करना चाहिए खाना देना चाहिए उनको परेशान नहीं करना चाहिए कंजर्व वाटर ये स्पेलिंग आप ध्यान से लिख लीजिएगा सी ओ एन एस ई आर भी ई है यहाँ पे आर भी ई कंजर्व वाटर पानी को बचाना चाहिए क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल लोगों के बीच जागरूकता फैलाना चाहिए क्रिएट अवेयरनेस ए डब्ल्यू ए आर ई अवेयर एन ई डब्ल अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ नेचर कि नेचर का कितना इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में इस चीज़ को सबको बताना चाहिए खास करके बच्चों को स्कूल में बताना चाहिए ताकि वो सीख पाए और लोगों को भी सिखा पाए तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और एक लाइक कीजिए एक सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आप भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना लाइक करना जरूर लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छे से काम कर पाता हूँ थैंक्स फॉर वॉचिंग हैव नाइस डे